वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुर प्यारेओ आप जी दे अपने चैनल सांझ विचार दे विच आप जी दा बहुत बहुत स्वागत है। जिवें कि आप जी नूं पता है इस चैनल ते आप जी नूं बहुत गुरबाणी दी जानकारी भरपूर वीडियो मिलदी ही रहिंदियां ने। अज फिर आप जी दे लई इक बहुत जानकारी भरपूर वीडियो लेके आए हां। जे चैनल ते नवे हो चैनल सबसक्राइब करन दी कृपालता करनी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करन दी कृपालता करनी। आप जी दे शेयर करन दे नाल किसी होर वीर भैन दा भी भरम भुलेखा दूर हो सकता है, वह भी गुरबाणी दे नाल जुड़ सकता है। सो गुर प्यारियो अज दी वीडियो शुरू करदे हाँ। गुर प्यारियो वीडियो दा टाइटल वेख के आप जी सोच रहे होगे कि यह की कह दिता है कि गुटका साहिब जी तो पाठ नहीं करना चाहिदा। गुर प्यारियो हाँ जी, गुटका साहिब जी तो पाठ नहीं करना चाहिदा। यह वीडियो जदों आप जी पूरी तरह वेखोगे तो आप जी नूं समझ आवेगी कि हाँ भाई कदे भी गुटका साहिब जी तो पाठ नहीं करना चाहिदा। कुछ गल्लां इस वीडियो दे विच आप जी नूं समझावांगे कि गुटका साहिब जी तो पाठ असी क्यों नहीं करना है। गुर प्यारियो जदों असी नंगे सिर होंदे आ या पैरां विच जोड़े पाए हुए होंदे ने उस समय सानू गुटका साहिब जी तो पाठ नितनेम नहीं करना चाहिदा है। सानू सिर ढक के दस्तार सजा के अते पैरां विचों जोड़े ला के जराबां ला के ही नितनेम करना चाहिदा है, पाठ करना चाहिदा है। नंगे सिर अते पैरां विच जराबां जोड़े पा के पाठ नहीं करना चाहिदा, गुटका साहिब जी तो पाठ नहीं करना चाहिदा। गुर प्यारियो ते जदों भी असी गुटका साहिब जी तो पाठ करदे हाँ, नितनेम करदे हाँ या सुखमनी साहिब जी का पाठ करदे हाँ, कदे भी सानू किसी दे पैरां वाले पासे बह के गुटका साहिब जी तो पाठ नहीं करना चाहिदा है। सानू सिरहाने वल बह के पाठ करना चाहिदा है। कोई तुहाडे तो उच्चा नहीं होना चाहिदा है। जे तुसी किते थल्ले बह के पाठ कर रहे हो तां आप जी ने किसी तो नीवी थां ते नहीं बहना है, उच्ची थां ते बहना, उत्थे आप जी ने बह के गुटका साहिब जी तो पाठ करना है। ये पंज प्यारियां वालों पंज सिंघां वालों भी हिदायत हुंदी है कि सिरहाने वल बह के पाठ करना चाहिदा है। कदे भी असी पैरां वाले पासे बह के गुटका साहिब जी तो पाठ असी नहीं करना है। ते गुर प्यारियो जदों भी सानू कोई मौका मिलता है किसी धार्मिक गुरद्वारा साहिब जाण दा, किते संगत करन दा, किते भी असी गुरमत समागम विच जांदे हां या कई गुरद्वारियां विच असी जांदे हां जिथे कथा या कीर्तन या पाठ हर वेले चलदा रहिंदा है, तां उत्थे गुरद्वारे जाके सानू चल रही गुरबाणी दा कीर्तन बह के सुनना चाहिदा है। जे पाठ हो रहा है ते बह के सानू पाठ सुनना चाहिदा है, या कोई कथा विचार हो रही है तां सानू ओ कथा विचार बह के सुननी चाहिदी है। उस वेले सानू कदे भी अपना गुटका साहिब तो पाठ नहीं करना चाहिदा है, अपना नितनेम या सुखमनी साहिब जी का पाठ चलदे गुरबाणी दे प्रवाह दे विच्चों चलदे कीर्तन विच या चलदे कथा विचार विच बह के सानू गुटका साहिब तो पाठ नहीं करना चाहिदा है। ये मनमत भी है ते ए गुरबाणी दा निरादर भी है, सत्कार नहीं। गुर प्यारियो इस तरह ना तो साडा ध्यान अपने अपने नितनेम विच लगदा है ते ना ही गुरद्वारा साहिब हो रहे कीर्तन कथा दे विच जुड़दा है। इस करके कदे भी गुरद्वारा साहिब विखे जदों कीर्तन कथा पाठ हो रहा होवे तां असी गुरबाणी दा पाठ गुटका साहिब जी तो नहीं करना है, उत्थे हो रही कीर्तन कथा विचार सुननी है। कई बंदे सोचते ने कि असी इत्थे आए हाँ अद्धा घंटे वास्ते या एक घंटे वास्ते बहना है तो चलो असी अपना नितनेम ही निबेड़ लीए, यही कार्य कर लीए, पर नहीं गुर प्यारियो नितनेम जो है वह साडा होमवर्क है। वो असी अपने घर जाके गुरबाणी
गुरुद्वारे सुननी है, कथा विचार सुननिया ने, गुरमत समागमों में हाजिरी भरनी है। जो नितनेम है वह साडा होमवर्क है। जे असी हो रही कथा विचार दे विच या हो रहे कीर्तन दे विच अपना गुटका साहिब लैके बह जाते हैं तो यह मन सकते हाँ कि असी तो ना गुरबाणी सुननी है, ना कथा वाचक की कोई गल सुननी है, ना कीर्तनिया वीरां कोलों कोई शब्द सुनना है, असी तो अपनी मन मर्जी करनी है। सो ये गल ठीक नहीं। ऐसे समां दे विच गुटका साहिब जी तो पाठ नहीं करना चाहिदा। गुर प्यारियो अते जदों असी गुरबाणी दा पाठ कर रहे होंदे आ गुटका साहिब जी तो ते दूजे हाथ विच असी मोबाइल रखदे आ या विच कोई फोन आ जांदा है या कोई जरूरी काम करना पै जांदा है मोबाइल दे विच, एक हाथ विच गुटका साहिब दूजे हाथ विच मोबाइल, ते इस तरह भी सानू गुटका साहिब जी दो पाठ नहीं करना चाहिदा। जे कोई साडा जरूरी काम है तो असी गुटका साहिब रख के अलग तो मोबाइल का काम निपटा के मोबाइल का काम नबेड़ के फिर एकांत विच एकागर चित हो के गुरबाणी का पाठ करना है। गुरबाणी का पाठ करते होया मोबाइल नहीं चलाना चाहिदा है। जे मोबाइल चलाना है तो गुटका साहिब जी दो पाठ असी नहीं करना है। गुर प्यारियो बहुती वारी असी वेखदे हाँ या तो किसी नूं पता नहीं हुंदा या कोई किसी नूं पुछदा ही नहीं, ते कई बंदे वेखदे हाँ अंडे खा के नॉन वेज खा के या कोई नशा करके शराब का नशा करके या होर किसी प्रकार का नशा करके गुटका साहिब लैके पाठ करन लग जाता है। सो उस वेले भी गुटका साहिब जी तो पाठ नहीं करना चाहिदा। जे साडा मन करता है कि असी पाठ करना है तो अस गुर प्यारियो सानू इन्हां चस्कियां नूं छड़ना पैना है। जे असी चाहते हाँ कि असी गुरु के चरणों में जुड़ना है तो पहला असी इन्हां तो बचना चाहिदा है। इस तरह पाठ भी करी जाना तो नॉन वेज भी खाई जाना, नशे भी करी जाने, शराबा भी पी जाने तो गुर प्यारियो इसका कोई लाभ नहीं है आप जी दे पाठ करन दा, गुरबाणी पढ़न दा। इस दे नाल आप जी अपना बहुत नुकसान कर रहे हो अते पापां दे भागी भी बन रहे हो। गुर प्यारियो ऐसे किते हुए पाठ दा कोई लाभ नहीं। गुरबाणी भी यही फुरमान करती है। भगत कबीर जी का बहुत सोहना बचन है, कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाहें तीरथ बरत नेम किए ते सभै रसातल जाहें। कबीर जी कहिंदे ने कि जो प्राणी भांग भाओ नशे माछली भाओ मांस खांदे ने सुरापान जो शराब पींदे ने, कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाहें तीरथ बरत नेम किए ते सभै रसातल जाहें। ते उन्हां दे किते होए पुन दे कारज, किते होए तीर्थां ते इशनान, किते होए उन्हां दे पाठ बरत सभ ही मट्टी पलीत ने, कुछ भी कोई भी ला। ते गुर प्यारियो आप जी ने यह वीडियो वेखी है ते आप जी दे नेड़े भी कोई ऐसा बंदा है ते आप जी ने उसनों बड़े प्यार दे नाल समझाना है कि भाई जे गुरबाणी दा पाठ करना है, गुरबाणी दे नाल जुड़न दा तेरा मन है, गुरबाणी दे नाल तो जुड़ना चाहता है तो हौली हौली इन्हां विकारां नूं छड़ दे। शराब मांस इन्हां नूं छड़ के मर्यादा विच रह के गुरबाणी दा पाठ कर, जिस दे नाल गुरु साहिब तेरे उत्ते मेहरबान होणगे, सहाई होणगे। गुर प्यार इस तरह असी इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है। ऐसे समय दे विच शराबां मीट खा के
मांस खा के कदे भी गुटका साहिब जी दो पाठ नहीं करना चाहिदा। गुर प्यारे जदों भी असी गुरबाणी का पाठ करना है गुटका साहिब जी तो इशनान करके चंगी तरह असी गुरबाणी का पाठ करना है। इशनान करदे आ शरीर स्वस्थ रहिंदा है, गुरबाणी दे नाल मन जुड़दा है, दलिद्री खत्म होंदी है। ते जदों भी असी गुरबाणी का पाठ करना है तो इशनान जरूर करना है। हाँ जी, जे कोई प्रॉब्लम है, कोई बुखार है, कोई शरीरिक तकलीफ है ता हाथ मूँह धो के पाठ कर सकते हैं, पर जे आप जी एकदम ओके हो तो इशनान करना जरूरी है। गुटका साहिब जी तो पहला पाठ करन तो पहला जे इशनान नहीं किया दलिद्री है तो कदे भी गुटका साहिब जी तो आप जी ने पाठ नहीं करना है। सो गुर प्यारियो, इस वीडियो दे विच आप जी नूं बहुत जानकारी मिली होवेगी। गुरु साहिब आप जी नूं चढ़दी कला बख्शणा, इन्हां गल्लां दा ध्यान आप जी ने रखना है। ते गुर प्यारियो, इस वीडियो नूं आप जी ने शेयर भी करना है, क्योंकि आप जी दे शेयर करन दे नाल किसी होर वीर भैण दा भी भला हो सकता है, वह भी गुरबाणी दे नाल जुड़ सकता है, वह भी फिर आप जी नूं बहुत दुआवां देवेगा। सो गुर प्यारियो, जे चैनल ते नवे हो चैनल सबसक्राइब करन दी कृपालता करनी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करन दी कृपालता करनी जी। इसे तरह दी होर वीडियो आप जी दे लई लैके आउंदे रहांगे। गलतियां भुल चुकां दी खिमा जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।